चाहत जिंदा है, वो जुनून दम दम भर के वो उबाल मारता है, वो लगता है कि हाँ अंदर कुछ खुजली हो रही है, यहां कुछ फड़फड़ाहट हो रही है। जब देखते हो किसी को तो लगता है कि ये एक दिन मेरे भी इस वर्दी पर एक दिन मेरा भी नाम लिखा होगा, या वो चिनचिनाहट खत्म हो गई। वो है आपके अंदर अभी जुनून, वो है आपके अंदर जिद। तो एक बार हाथ खड़ा करके लिख दो कि हां सर है, यस सर है। तो साथियों, उसी जिद को, उसी चिंगारी को और हवा देने के लिए, उस चिंगारी को ज्वाला में बदलने के लिए बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट दो घोषणा कर रहा हूं। एक चीज आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि जो लक्ष्य तुमने सोचा, जो तुमने अपना फैसला किया आज से एक साल पहले, दो साल पहले, एक महीने पहले, जब एग्जाम, जब फॉर्म आए, तब जिस समय तुमने घोषणा, जिस समय तुमने निश्चित किया था अपने मन में कि इस 60,244 कांस्टेबल में मेरी भी एक सीट होगी, मेरा भी एक नाम होगा, और आज जब तुम बिल्कुल अपने हाथ एकदम थक जाते हो, सोचते हो कि मुझे नहीं पढ़ना या मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, री एग्जाम की डेट नहीं आ रही, सारी चीजें मेरे विरोध में, तो किस चीज का ऐसा अंतर रहा? तुम भी वही थे ना, लक्ष्य भी वही था, ऐसी कौन सी चीज हो गई जो बदल गई, जो तुमने अपने लक्ष्य से हार मान ली? वही चुनौती थी ना, अरे 60,244 पत्तों तब भी थे, आज भी थे, 48,00,000 फॉर्म तब भी थे, आज भी है, 45,00,000 आज भी पेपर देंगे, तब भी उतना नहीं दिया था, कुछ चीज बदली, और सबसे बड़ी बात तुम भी वही हो, कुछ नहीं बदला ना, कि समय तो बदला, तो क्या तुम अपने लक्ष्य को समय के हिसाब से भूल जाओगे? हैं? फिर क्या सोच के और क्यों तुमने वो लक्ष्य तय किया था, क्यों तुमने वो लक्ष्य सोचा, और क्यों तुमने पिछले इतने समय, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, दिन रात अपने चैन सुकून को त्याग कर दिए? मुझे बताओ किस वजह से, क्या चीज बदली? तुम ही हो ना, तो एक बार फिर से क्यों नहीं उठ सकते, एक बार फिर से खुद को आत्म विश्वास क्यों नहीं जगा सकते कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं भी वही हूं, लक्ष्य भी वही है, बच्चे भी उतने हैं, सीट भी उतनी है, सिलेबस भी वही है, केवल पेपर ही तो होना है, कुछ समय बाद हो जाएगा, तो क्या मैं तब तक हाथ पे हाथ रखे बैठूं कि नहीं मैं तो तभी पढ़ूंगा या तभी पढ़ूंगी जब मेरे सामने एडमिट कार्ड होगा मेरा? क्या उससे तुम लक्ष्य के पास पहुंचोगे? एक चीज बताओ, आज जो भी तुम सोचो, आज अपने पेन को ठंडा छोड़ दो, आज कहीं यही बिल्कुल बंद करो पढ़ाई, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे दो चीज बता दो, क्या तुम्हारा जो एक्शन है, जो तुम्हारी क्रिया, जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास लेकर जाएगा या दूर लेकर जाएगा? तुम जो भी आज डिसाइड करो अपने लिए, क्योंकि तुमने कुछ समय पहले कुछ और डिसाइड किया था।